दोस्तों SSC एग्जाम 2021 चल रहा है दोस्तों 12 अप्रैल से। जी दोस्तों, इस एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए तमाम दोस्तों धड़ाधड़ कमेंट हो रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाए। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा चल रही है दोस्तों, और 12 अप्रैल से एग्जाम शुरू कर दी गई, जो कि 18 अप्रैल जो है, 18 अप्रैल से दोस्तों भारत में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। एक दो एग्जाम और है जिसको पोस्टपोन आज या कल में कर दी जाएगी, और 18 अप्रैल से एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। फिर CSLE का एग्जाम की परमिशन कौन दे रहा है? भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने तो एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर SSC का एग्जाम क्यों चल रहा है? ये सवाल है दोस्तों पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के, कि कब इसका एग्जाम पोस्टपोन होगा। इस कंडीशन में एग्जाम न लेना ही बेहतर होगा, और जिस कंडीशन में अभी भारत गुजर रहा है, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। इसीलिए एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए डिमांड की गई। पूरे स्टेट, जितने भी स्टेट है दोस्तों, सभी स्टेट में दोस्तों धीरे धीरे लॉकडाउन लग रहा है, पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग रहा है, और ये लॉकडाउन चलेगा लगभग महीनों दिन तक। और ऐसा कदम भी भारत सरकार उठा सकती है कि पूरे भारत को लॉकडाउन किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो दोस्तों, एग्जाम कैसे होगा?